हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा मार्वल से रिलेटिव अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करूंगा डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज के बारे में और बात करूंगा एक्समैन से रिलेटिव अपडेट के बारे में। वीडियो के एंडिंग में कॉमिक कॉन से रिलेटिव भी अपडेट है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज व्हाट इफ के बारे में। मार्वल ने अभी हाल ही में एक ब्रेकिंग अपडेट दिया कि व्हाट इफ में कोई भी मोशन कैप्चर नहीं करने वाले हैं। जी हां, ये फुली कंप्यूटर 3D पिस्ट टीवी सीरीज होने वाली है। एग्जांपल, अगर आपको इसमें निक फ्यूरी कैरेक्टर देखने को मिलता है तो इसका मतलब सैमुअल जैक्सन ने उसमें मोशन कैप्चर नहीं करा होगा, वो आपको कंप्यूटर का पूरा देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगला अपडेट है क्रिस इवांस की तरफ से। तो क्रिस इवांस ने अभी हाल ही में ये बात कही इंटरव्यू में कि कैप्टन अमेरिका को एमसीयू में इतनी जल्दी रिटर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाल्कन द विंटर सोल्जर में उनका एक कैमियो है, पर उन्होंने कहा कि कैप्टन अमेरिका की नीड हो और हाइप हो तभी उसे आना चाहिए, अभी इतनी जल्दी मत लाओ। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का जेके सिमन की तरफ से। उन्होंने अभी हाल ही में सोनी यूनिवर्स में काफी सारी मल्टीपल डील करी है, जिससे कि वो स्पाइडर वर्स में हमें न्यूज रिपोर्टर के कैरेक्टर में आने वाली मूवीज में देखने को मिलेंगे। पीटर इवांस, जो कि क्विक सिल्वर का कैरेक्टर प्ले करते हैं एक्समैन सीरीज में, उन्होंने भी हाल ही में वांडा विजन टीवी सीरीज को ज्वाइन कराए। जी हाँ, और तो और वांडा विजन टीवी सीरीज में हमें मल्टीपल डायमेंशन देखने को मिलने वाले, पर इनका कैरेक्टर कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे, जो भी होगा आपको बता दूंगा। उसी के साथ बात करते हैं एक्समैन अपडेट के बारे में। एक्समैन डार्क फोनिक्स, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है अभी हाल ही में इंटरव्यू में कि उनकी इच्छा है कि वो एक्समैन की मूवीज को डायरेक्ट करें एमसीयू के लिए, पर उन्होंने ये भी रिवील करा कि शायद ये कैरेक्टर रिबूट हो सकते हैं। उसी के साथ अगला अपडेट है गेमबिट से रिलेटिव। तो गेमबिट मूवी अब तो आनी रही है, पर अभी हाल ही में रिवील ये हुआ है कि गेमबिट मूवी में हमें मिस्टर सिनिस्टर देखने को मिलने वाले थे। मिस्टर सिनिस्टर कौन है? ये बहुत बड़ा विलेन है एक्समैन सीरीज का, जिसने केबल के अंदर वायरस डाला था और फिर वो टाइम ट्रेवलिंग कर डेडपूल की टाइमलाइन में जाता है। बहुत ही कमाल का। तेनुसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का। तो एक्समैन फर्स्ट क्लास के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने फैसला करा था कि वो उसके तीन पार्ट बनाए, यानी कि ट्रिलॉजी, जिसमें कि मैग्नेटो, मिस्टिक और प्रोफेसर एक्स पर फोकस करा जाएगा। उसी के साथ एक्समैन न्यू म्यूटेंट्स के डायरेक्टर ने भी ये चीज डिसाइड करी थी कि वो उसके तीन पार्ट बनाए, पर पहले पार्ट के बाद ही कंपनी को लगा कि ये बेकार है और उन्होंने इन दोनों मूवी सीरीज को कैंसिल करवा दिया। उसी के साथ वांडा विजन की टीवी सीरीज शूटिंग स्टार्ट होगी जुलाई से। जी हाँ, कोरोना वायरस थोड़ा हल्का हो चुका है तो इनकी शूटिंग भी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी और हॉकाई की शूटिंग स्टार्ट होगी 28 सितंबर से। जी हाँ, और तो और एमसीयू में हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, वो है हरकुलिस। अभी हाल ही में अपडेट आया है, पर आपको बता दूं ये रूमर है, कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, पर मैं तो चाहता हूं कि जितने ज्यादा कैरेक्टर होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। उसी के साथ इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकते हैं क्रॉस बॉस, जो कि कैप्टन अमेरिका में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और कैप्टन अमेरिका में आपने देखा होगा कि कैसे इनकी फाइट हुई थी। उसी के साथ हॉकाई का वर्किंग टाइटल रिवील्ड हो चुका है, एंकर पॉइंट। जी हाँ, ये इसका वर्किंग टाइटल है, जिससे कि शूटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो और देन ये इजीली आराम से शूट कर सकें। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का। स्पाइडर वर्स 2 की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और आपको ये मूवी के अपडेट धीरे धीरे अब पता चलना चालू हो जाएंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर इंक्लूडिंग हो रहे हैं। स्टार फॉक्स कैरेक्टर आपको एमसीयू में इंट्रोडक्शन करने के रूमर्स आ रहे हैं, फ्यूचर में हमें ये कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है और थैनोस के ब्रदर की भी इन्फॉर्मेशन आई है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं सैंडिएगो कॉमिक कॉन की। तो इसकी रिलीजिंग डेट कन्फर्म हो चुकी है, वो है जुलाई के महीने में 22 तारीख को, और उसी डेट को आपको इंटरनल्स का ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियल में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक में शेयर करो। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर कैप्टन अमेरिका के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।